उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के समाप्त होते ही संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से एमकेएन न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता शशांक श्रीवास्तव से खास बातचीत किया। ये सुनते क्या कुछ उन्होंने कहा। कुछ नहीं, निकाय चुनावों की तैयारी है। जोरदार ढंग से भाजपा चुनाव लड़ेगी और विजयी होंगे। निर्देश तो आने वाले निकाय चुनाव है, उसमें निर्देश हैं जो आम निर्देशों पर संगठनात्मक चर्चा थी है। और जो अभी उपचुनाव में एक दो सीटों पे अपनी जो बचत बढ़त नहीं बना पाए थे, उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई ना? उसमें कुछ ही कोई चर्चा नहीं, निकाय चुनाव की चर्चा थी बस। चुनाव मजबूती से लड़ना है, मजबूती से चुनाव लड़ना, बूथ बूथ पे जाना है, वार्डों पर मजबूती से लड़ना, अपने सभी वार्डों पर मजबूत कैंडिडेट लड़ेंगे। तौर पे बैठक थी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले, किस तरह के निर्देश दिए गए? निकाय चुनाव को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, ये प्रथमता तो निकाय चुनाव में हम सबको संगठन की दृष्टि से एकजुट होकर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नीचे उतरना है और हमारी जो संगठन की संरचना है बूथ लेवल तक बड़ी मजबूती के साथ हम लोग तैयारी के साथ उतर रहे हैं और इसी भावना के साथ कि हम लोगों को ये विजयश्री हासिल करानी है। अच्छे संगठन के साथ, एकजुटता के साथ, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ हम लोग निकाय चुनाव में उतरने वाले हैं और विजयश्री हासिल करके लेने का जो संकल्प लिया हम लोगों ने। साफ तौर पे विजयश्री हासिल करना प्रमुख उद्देश्य है, जिसको लेकर के यहाँ पर संगठन की बैठक को बुलाया गया था। जो लोग यहाँ बैठक में शामिल थे उनसे हमने बात की। आइए कुछ लोग बात करते हैं। फिलहाल बैठक समाप्त हो चुकी। कैमरामैन साकेत के साथ शशांक श्रीवास्तव, एमकेएन न्यूज़, लखनऊ।